हेलो एवरीवन, मैं मेरी सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई थी मैंने आरटीआई रूट के तहत, मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं अपनी कुछ मिस्टेक बताऊँगा जो आप करने से बचें। तो ये मेरे को मार्क्स मिले हैं 67। तो मैं, ये क्वेश्चन है 3B, ये 10 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें ये सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है, ये स्टेप वाइज मार्किंग है, सब कुछ सही है। फिर यहाँ पे मेरे को मिले 9 मार्क्स, एक नंबर काट लिया। ये मैंने सेल्स में ना लिखा नहीं, तो इसका एक नंबर काट लिया, तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो मैं कोशिश, मतलब ये है कि जल्दी जल्दी में मे भी रह गया होगा सेल्स का अमाउंट, क्योंकि बैलेंस इन फिगर यही आता सेल्स का नॉर्मली, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ मैंने खुद की गलती से काट लिया, तो मतलब 67 में एक नंबर ये बढ़ा सकता था, क्योंकि सारा आंसर सही है। देन क्वेश्चन नंबर 3A है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड था। तो इसमें मेरे को 4 नंबर दिया और ये सब कुछ सही है मेरा, मतलब क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। तो इसमें मेरे को 5 स्टेप 2 के 9 नंबर मिले, तो मेरे को एक नंबर काट लिया इन्होंने इस वाले का। अब ये नहीं समझ में आया इस वाले का किस बात का काट लिया। मेरे अकॉर्डिंग शायद मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया, क्योंकि ये देखो सारी चीज़ कैलकुलेशन यहाँ कर दी साइड में, तो शायद मे भी अगर वर्किंग नोट के तहत करता है इस कैलकुलेशन का, तो मे भी पूरे नंबर दे देते, या शायद लाइनों के नंबर काटते हों, पता नहीं, हो भी सकता है लाइन नहीं हमारी, मे भी वो भी रीज़न भी हो सकता है। बट वर्किंग नोट नहीं बनाया ना, वो साफ दिख रहा है, मतलब एक नंबर ये काट लिया मैंने खुद की गलती से। देन क्वेश्चन 1 था जो कंपलसरी है, इसमें मैंने बिल्कुल, इसमें मेरे सारे ठीक हैं, 5 नंबर आ गए। देन डी वाले पार्ट में भी मेरा सही है, तो इसमें भी 5 नंबर आ गए। देन ए वाला पार्ट था, ये बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड था, तो इसमें भी 5 नंबर हैं। 1B ये सर्विस कॉस्टिंग का था, तो इसमें भी 5 नंबर हैं। तो मेरा फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है, तो ये 20 मार्क्स का है। और उसके बाद 2B क्वेश्चन है, यहाँ पर मतलब 1 मार्क कटा है मेरा स्टेप 2 का। यहाँ पर एक पूछ रखी थी उन्होंने कि हालसे या रोवन में कौन सा बेटर प्लान है, आप कौन सा चूज़ करेंगे। पता नहीं, मैं यार एग्ज़ाम टाइम पे वो ध्यान ही नहीं दिया, मतलब एक नंबर ये कटवा लिया। उसके बाद है 2C, इसमें मार्क्स हैं, मेरी 4 मार्क है, 4 मार्क का था ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का था क्वेश्चन, इसमें पूरे नंबर मेरे स्टेप वाइज मैंने पूरा अच्छे से सॉल्व कर रखा है, तो मतलब जितना बता सका सही वर्किंग नोट के तहत उन्होंने पूरे नंबर दिए हैं। देन ये है 5B, ये क्वेश्चन था वही रिकन्सिलेशन वाला, ये मेरे को आता नहीं था, मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था, ये प्लस माइनस करके करे आया, तो इसमें भी इन्होंने मेरे को 2 नंबर दे दिए। देन ये 4A क्वेश्चन था, मे बी मार्जिनल कॉस्टिंग से, ये आता ही नहीं था भैया, अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी पर आता नहीं था, तो वैसे भी मेरे को ये वैसे भी नहीं आता था, मैंने जानबूझ के ऐसे अटेम्प्ट किया कि चलो कुछ आ जाए 1-2 नंबर, मे बी ट्राई कर लूँ। इसमें इन्होंने कुछ नंबर नहीं दिया, ट्राई करने के बावजूद काटा मार दिया, हर जगह काटा मार दिया, लो 0 लो तुम। उसके बाद एक 4B क्वेश्चन है, ये था ना कॉस्ट शीट का, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि कॉस्ट शीट में इन्होंने नंबर दे रखे मेरे को 8, मेरी सारी कॉस्ट शीट ठीक है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप था ना उसमें नंबर दिए मेरे को 0, मतलब मैंने वर्किंग नोट शायद कम बनाए होंगे, बट एक डायरेक्ट मटेरियल मैंने बट ऊपर उनको सॉल्व कर दिया था। देखो यहाँ पे ये देखो, तो इससे बात दिखाई देता है कि ऐसे चेकिंग इस डाल से, मतलब इस तरीके से करता है कि आपको वर्किंग नोट प्रॉपरली दिखाएं, अगर ऊपर ना दिखाएं तो वर्किंग नोट में एटलीस्ट दिखाएं, क्योंकि फिर वो 2 नंबर काट लेगा, यहाँ पे 2 नंबर काट ले फ्री फंड के, ठीक है। तो 5 नंबर तो मेरे पीछे यही कट गए। देन ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख दिया था, बट ICI नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A लिखा, 2A था, तो मतलब ये बात सही है, बाई चांस आपका क्वेश्चन आपने गलत लिख दिया, तो ऐसे ही ऐसी बात नहीं है कि ठीक कर देते हैं, ये कर रखा है इन्होंने।
ये मशीन आर रेट था, ये मेरे को घंटा कुछ नहीं आता था, मैंने ट्राई मारा नहीं आ रहा था, हुआ ही नहीं, गलत था ऐसे ही, पढ़ा ये चैप्टर पढ़ भी नहीं रखा था तो ठीक। इसने बंदे ने 0 नंबर दिए, 1 नंबर भी नहीं दिया, 0 कुछ नहीं दिया इसमें। तो यानी कि ये मार्कशीट थी, फर्स्ट में कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2AB, मतलब इसमें मेरे को नंबर मिले हैं 9, देन 3 में मिला है मेरे मार्क्स 9, 9, 18 मार्क्स। तो यहाँ पर देखो, मेरे को कहाँ लगता था कि मैं मेरे नंबर बढ़वा सकता था, एक तो क्वेश्चन नंबर 3AB था ना, वो आपको बताया था मैंने कि वहाँ मैं नंबर बढ़वा सकता था, और एक क्वेश्चन नंबर 4B कोशीट वाला था, मतलब ये था कि 4 से 5 नंबर मैं बढ़ा सकता था। और एट लास्ट मैंने अटेम्प्ट, वैसे अगर सही देखो ना, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अटेम्प्ट किया था वैसे तो 70 मार्क्स का ही। एक रिकन्सिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता तो मैं सोचा ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई मैंने किए क्वेश्चन 100 आउट ऑफ, मतलब 95 का अटेम्प्ट किया है, बट मेरे को जो एक्यूरेसी वाला पॉइंट लग रहा था ना, मैंने उतना करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 2, मेरे को नहीं आता था, मैंने ट्राई अप कर लिया, बट मेरे को पता था कि गलत होगा, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन किए थे। और एक रिकन्सिलेशन वाला ट्राई अप किया था, उसमें 2 नंबर आ गए, मतलब उस हिसाब से मैंने 75 का अटेम्प्ट किया था, तो मेरे को 67 मार्क्स आ ही गए। ठीक है, और मतलब और कॉन्सेप्ट नहीं आते थे वो, तो जो गलत हो रखे वो नहीं आते थे, तो वो तो पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ो, मतलब मेन चीज़ डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी, अगर किस टाइप की एक्यूरेसी है। अब देखो 70, एक हिसाब से 72 का अटेम्प्ट लगा लो मेरा, दो दो नंबर 70 का अटेम्प्ट लगा लो, जो मेरे 3 से 4 नंबर कटे हैं ना, वो मैंने मेरी खुद की गलती से काटे हैं, मतलब 2 या 3 नंबर, 4 या 5 नंबर मैं इसी में बढ़वा सकता था, मतलब एटलीस्ट 5 नंबर में बढ़वा सकता था अगर इसको ध्यान से करता ना, वर्किंग नोट वगैरह प्रॉपर वगैरह बनाता था, मतलब 4 से 5 नंबर बढ़ा सकता था, यानी कि 71, 72 मार्क्स इस पेपर में भी वैसे भी आ सकते। तो यही प्रेजेंटेशन मिस्टेक मैं कर लेती हूँ। थैंक यू आप के लिए।